अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम लोग जो है वो मज़ीद वर्डप्रेस के अंदर आगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और उनमें जो एक कॉन्सेप्ट है वो प्लगइन्स का है। वर्डप्रेस क्योंकि एक सीएमएस है तो इसके अंदर हर चीज़ वाया प्लगइन्स हो रही होती है। मतलब अगर आपने इसके अंदर एक अपना कस्टमाइज पेज बनाना है यूज़र रजिस्ट्रेशन का, तो आप कैसे बनाओगे, आप प्लगइन यूटिलाइज करोगे, वो प्लगइन फिर एडिट होता है। क्लियर है ये बात? और वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हज़ारों प्लगइन्स आपको मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। आप जो है वो फर्स्ट कर लो अपने फेसबुक के पेज का लिंक या फेसबुक के पेज का स्टेटस या नंबर ऑफ लाइक्स या फिर रिसेंट पोस्ट, इस तरह का कुछ अपनी वेबसाइट पर दिखाना चाहते हो तो इसका भी प्लगइन है। आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना चाहते हो, उसमें जो सेलिंग एंड परचेजिंग होगी तो उसके लिए भी प्लगइन है। तो गर्ज ये कि प्लगइन्स आर कोड्स, आर स्टैंडर्ड एंड प्री डिफाइंड कोड्स, जिसकी वजह से जो है वो आपके पास मामलात जिस तरह से पहले होते आए वर्डप्रेस के अंदर ड्रैग ड्रॉप वो क्या कहते हैं सिंपल क्लिक्स के ऊपर, इसी तरीके से यहाँ पर भी सिंपल क्लिक्स के ऊपर आपकी वेबसाइट के अंदर कस्टमाइजेशन ऐड होना शुरू हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ई कॉमर्स और विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉग्स और विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग एल्स। हर तरह का प्लगइन आपको जो है वो ऑनलाइन मिल जाएगा। प्लगइन दो तरीके के होते हैं, एक फ्री होते हैं, दूसरे पेड होते हैं। पेड उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आप कोई जो है वो बिजनेस पर्पस रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के अंदर ई कॉमर्स वगैरह की टाइप की, और फ्री जो है वो आपको बहुत वो भी बहुत सारे मिलेंगे। तो इट इज़ टोटली डिपेंडिंग अपॉन योर टाइप ऑफ सिचुएशन। ठीक है, तो अब आज इस क्लास के अंदर हम लोग जो है वो एक दो प्लगइन्स लगा कर देखेंगे वर्डप्रेस के अंदर, और उम्मीद है इंशाल्लाह कि जब आप एक दो प्लगइन्स लगा लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा अच्छा इस तरह से वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स लग रहे होते हैं, तो आप किसी भी तरह का प्लगइन इंशाल्लाह फिर वर्डप्रेस के अंदर लगा कर कॉन्फिगर कर लेंगे, क्योंकि हर प्लगइन के साथ उसकी डॉक्यूमेंटेशन और उसका इंस्टॉलेशन का तरीका वो सारा कुछ वहाँ पर मौजूद होता है किस तरह से आपने करना है। ठीक है, तो हम लोग जो है वो आज यहाँ पर फर्ज कर लें अपनी वेबसाइट के अंदर कॉन्टैक्ट अस का पेज जो है वो हम बनाना चाह रहे हैं, कॉन्टैक्ट अस का पेज। अब कॉन्टैक्ट अस का पेज मैं यहाँ वर्डप्रेस से कैसे बनाऊँ, मैं तो यहाँ नहीं बना सकता, यहाँ पर हमारे पास टूल बॉक्स तो है नहीं कि हम लोग टेक्स्ट बॉक्स उठा के रखे हैं तो लेबल उठा के रखे हैं एंड सो ऑन। तो उसके लिए मैं जो है वो यहाँ पर गूगल पे आप यहाँ सर्च कर लें कॉन्टैक्ट अस प्लगइन फॉर वर्डप्रेस। तो देखें बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फ़िलहाल तो आप जो है वो वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाएं और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इसका वर्जन है इसको आप डाउनलोड करें। आपको और भी कॉन्टैक्ट फॉर्म्स मिलेंगे, देखें ये वर्डप्रेस की ऑफिशियल साइट है यहाँ पर, और इसके अंदर प्लगइन्स के अंदर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं प्लगइन सर्च भी कर सकता हूँ और मेरे जो भी प्लगइन मुझे चाहिए उसकी सारी डिटेल यहाँ लिखी हुई आ रही है कि इस प्लगइन में क्या क्या होता है, इसकी रेटिंग कितनी है, करंट इसको कितने लोग चला रहे हैं, और जो है वो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ लिखी हैं, फ्री है या फिर इसके लिए मुझे कुछ परचेसिंग करनी पड़ेगी, सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इंस्टॉलेशन का तरीका भी यहाँ लिखा हुआ है, लोगों के रिव्यूज़ भी लिखे हुए हैं कि कैसा है और इंस्टॉलेशन किस तरीके से होगी, सपोर्ट इसकी किस किस पर है और डेवलपमेंट मोड XYZ। तो कहने का मकसद ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर वैसे ही पता चल जाएंगी जब आप यहाँ पे आ रहे हो। यहाँ पे एक्टिव इंस्टॉलेशंस भी बता रहा है आपको 5+ मिलियन, मतलब इतने सारे लोगों ने सिर्फ इस प्लगइन को यूटिलाइज़ किया हुआ है अपने पास। लेकिन मैं जो एक चीज़ है प्लगइन्स, अब देखें ये ट्रैक कर रहे हैं कि कितने एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं, तो हर चीज़ जो है फिर मोहतात अगर आपने करनी है कि कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ ना हो जो कि मसला बन जाए आपके लिए बाद में, तो बहुत जो है वो ख्याल करके काम करना होता है यहाँ पे। खैर, तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन का तरीका यही है कि आप बस उसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद उसको जो है जहाँ वर्डप्रेस की डायरेक्टरी है वहाँ प्लगइन्स की डायरेक्टरी में जाकर एक्सट्रैक्ट कर दें। ये डाउनलोड हो चुका, यहाँ से मैं इसको कट कर रहा हूँ और दिस PC C ड्राइव XAMPP
htdocs, this is my WordPress directory, this is my wp include, sorry यहाँ पे नहीं, वहाँ पे जाना है हमें, wp content, और यहाँ पे आ रहा है plugins, ठीक है। plugins में आने के बाद आप यहाँ पर आकर अपने उस फाइल को पेस्ट कर दें, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर इसको कर दें एक्सट्रैक्ट हियर, तो मैंने यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब आप इसको रखना चाहते हैं विन रार फाइल को तो रख लें, वरना ज़रूरी नहीं है, हमारे पास मेन कंटेंट प्लगइन का यहाँ पे ये आ चुका है फोल्डर। अब क्या करना है, आप अपनी जो है वो वर्डप्रेस पे जाएंगे और इस वर्डप्रेस को रिफ्रेश कर लें, हमारे पास पहले ट्यूटोरियल से लेकर अब तक जो हमारे पास टीचिंग की हमने एक वेबसाइट बनाई थी वही चलती हुई आ रही है। तो जो नए लोग हों वो डायरेक्ट इस ट्यूटोरियल को देख रहे हों तो शुरू से देख सकते हैं, हमारे पास यही एक सेम जो है वो वेबसाइट चलती हुई आ रही है, ऐसा नहीं है कि हमने हर दफ़ा डिफरेंट वेबसाइट बनाई हो, ठीक है। खैर, तो अब जो है वो आप प्लगइन्स पे आएँ, और प्लगइन्स के बाद आप जो है वो इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे चले जाएँ, या प्लगइन्स पे ही क्लिक कर दें चलें। तो देखें वैसे ही एक दो जो पहले से मौजूद थे बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहे होते हैं वो तो थे ही, अभी जो मैंने किया है वो यहाँ शो हो रहा है मेरे सामने, ठीक है। अब आप इसको क्या कर दें, एक्टिवेट कर दें, तो आपका ये प्लगइन जो है वो एक्टिवेटेड है। अब आप क्या करोगे, इस प्लगइन पे इस प्लगइन को जो है वो हम लोग इसकी डिटेल्स पे चलते हैं, तो आपको यहाँ से भी उसकी डिटेल्स पता चल जाएंगी। अब हम लोग इसके बाद एक पेज बनाएंगे ब्लैंक, जिसके ऊपर इस प्लगइन को हम लोग जो है वो बाइंड करवाएंगे कि किस तरह से ये हमारे पर लग जाए। देखें वही सारी डिटेल जो वहाँ देख रहे थे यहाँ पर भी आ रही है, एक तो ये हो गया। दूसरा, आप जो है वो आप पेजेस पर आएँ और एक नया पेज ऐड करें, ठीक है। और अपीयरेंस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाया हुआ है मैंने वैसे का, पहले देख लेते हैं अगर बना हुआ है तो उसी में कर लेंगे फिर। हाँ ये है ना कॉन्टैक्ट अस का पेज, ठीक है, ये हमारे पास पेज मौजूद है। इसके अंदर हम लोग जो है वो सेटिंग्स, हमारा वो जो फॉर्म था वो एक्टिवेट हो चुका है। अब ये देखें ज़रा, हर प्लगइन का एक शॉर्ट कोड जनरेट होता है ऑटोमेटिकली, जैसे कि यहाँ इस प्लगइन का हुआ हुआ है। आपने कुछ नहीं करना, जिस पेज के ऊपर आपने अपने इस कॉन्टैक्ट अस के प्लगइन को लगाना है वहाँ जाकर ये कॉपी पेस्ट कर दें, ठीक है। मेरा प्लगइन क्योंकि ये एक्टिवेट हो चुका है तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर, और कॉपी करने के बाद मैं अपने जो है वो पेजेस पे जाऊंगा और वहां पेस्ट कर दूंगा कॉन्टैक्ट अस वाले में। यहां पेस्ट कर दें आप, दैट्स इट, और उसके बाद इसको अपडेट कर दें। अभी मेरा काम हो चुका है, लेट अस प्रीव्यू दिस वेबसाइट कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस के पेज पे हमने
मेरे ख्याल से मैंने नाम कोई अलग रखा हुआ है और काम कहीं और कर दिया है। पेजेस पेजेस ये पेज तो शो ही नहीं हो रहा था। ये कौन सा पेज है? कॉन्टैक्ट अस के नाम से ही है ना ये? एक और चीज़ चेक कर लेते हैं, हमने अपने ये जो कॉन्टैक्ट का फॉर्म है इसको भी तो चेक नहीं किया अभी तक। इसको भी चेक कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म वन। ये जो मेरा प्लगइन मैंने ऐड किया है ना, ये उसका फॉर्म है जिसके अंदर टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह आपके जो है वो बने हुए आ रहे होंगे। देखिए यहाँ पर ये इस तरह से आ रहे होते हैं टेक्स्ट। अगर आपने जो है वो यहाँ पर टेक्स्ट लगाना है तो टेक्स्ट ये इस तरीके से, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जो है वो नंबर लगाना चाहते हो तो लेट से यहाँ नंबर लगाना चाहते हो तो नंबर का बॉक्स, ड्रॉप डाउन मेन्यू लगाना है, चेक बॉक्स लगाना है, रेडियो बटन लगाना है, कैप्चा कोड लगाना है, बटन लगाना है, सब आ जाएगा यहाँ पे। बटन लगा लो। फिलहाल मैं ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पर इसको। ये मैं अपने कॉन्टैक्ट के प्लगइन के अंदर हूँ और यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्म्स उठा के रखे हैं। और कॉन्टैक्ट, जब कॉन्टैक्ट अस का बटन ये क्लिक होगा तो तब आपके पास ईमेल कहाँ जाएगी, तो ये वो सेटिंग्स है यहाँ पे। किसको ईमेल जाएगी, किसके ज़रिए जाएगी, सब्जेक्ट में क्या लिखा होगा, और एडिशनल हेडर्स और मैसेज बॉडी जो भी आप अपनी ईमेल में कॉन्टैक्ट अस में मेंशन करना चाहते हैं वो यहाँ पर मेंशन कर दें आप। जो कि होता है कॉन्टैक्ट अस का पेज का फ़ायदा क्या होता है कि आप जब बटन क्लिक करते हैं तो वो ईमेल चली जाती है जो भी बंदे का मैसेज होता है, सही है ना, एडमिन को या जो भी आपने ईमेल स्पेसिफाई किया होता है मैसेजेस। और जब आपका मैसेज सेंड हो जाए तो वही, अगर एरर आ रहे हैं तो ये मैसेज, अगर कोई सबमिट सक्सेसफुल हो गया मैसेज तो फिर ये, एंड सो ऑन, दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड वगैरह वगैरह, सारी वैलिडेशंस भी यहाँ पर आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ये भी हो गया, एडिशनल सेटिंग्स भी हैं यहाँ पर, लेकिन फ़िलहाल जो है वो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। ये सारा कुछ करने के बाद इसको आप कर दें सेव। अच्छा ये सेव हो गया, आप चेक करते हैं। यहाँ पर ये कमेंट्स ही दिखा रहा है सिर्फ, कॉन्टैक्ट अस का पेज क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर? सर ये कमेंट सारे हटा दें शायद, इसकी वजह से जगह वो यूज़ हो। नहीं तो ये तो कोई बात नहीं हुई, हम एक नया पेज बनाते हैं। और इंटीग्रेशन के लिए, अच्छा ये तो वो कैप्चा है, शॉर्ट कोड कॉपी और ऐड न्यू माय फॉर्म, और यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ शॉर्ट कोड पब्लिश। ये देखें, ये तो वो जो मैंने ड्रैग ड्रॉप किया था उसकी वजह से आ रहा है पूरा लिंक, लेकिन आप देखिए मेरे पास जो है वो फॉर्म पूरा मौजूद है। और प्लगइन जब है सर, जी प्लगइन वाला। हाँ ये प्लगइन वाला है, मैंने तो इस पेज पे कुछ किया ही नहीं है ना, इस पेज को तो अभी नया बनाया है ना मैंने, इस पे तो मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये एडिड है यहाँ, सही है। और ये यहाँ पे काम भी कर रहा होगा, ये देखें, वन और मोर फील्ड्स हैव एरर्स प्लीज चेक, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड, ये सारे काम हुआ है वहाँ। तो वो जो मैंने ड्रैग ड्रॉप किया था उसकी वजह से ये मैसेज आ रहे हैं, ये आप हटा दें चल जाएगा फिर भी, ठीक है, क्लियर है सब लोगों को? यस सर।
तो ये एक प्लगइन इस तरह से काम कर रहा है। इसी तरीके से सारे प्लगइन्स ऐसे ही बने बनाए मौजूद मिलेंगे आपको और आप यूटिलाइज कर सकते हो। एक और प्लगइन देख लेते हैं, फेसबुक प्लगइन फॉर वर्डप्रेस। ये देखें, अगर मैं चाहता हूँ मेरे पेज का कुछ इस तरह से प्रीव्यू आ जाए अपनी मेरी वेबसाइट के ऊपर, तो लोग डायरेक्टली यहाँ से मेरे पेज पर चले जाएं, तो ये भी एक प्लगइन है, तो इसको भी आप डाउनलोड कर लें। ये आ गया आपके पास, इसको वैसे ही इसको भी आप सी ड्राइव में, जैम्प में, एसटीडॉक्स और वर्डप्रेस डब्ल्यूपी कंटेंट प्लगइन्स पेस्ट, तो आपके पास जो है वो सिंपल फेसबुक प्लगइन के नाम से यहाँ पे आ गया है। डैशबोर्ड प्लगइन्स, ये देखें सिंपल फेसबुक प्लगइन एक्टिवेट, सही है एक्टिवेट हो गया। इसको रिफ्रेश कर लें, ठीक है, और अब इसके ऊपर जो है वो तो डिटेल्स आ गई। इसका भी शॉर्ट कोड है जो कि आपने उठाकर, सॉरी, वो इसको जो है वो आप अपने क्या बोलते हैं जो सेक्शंस होते हैं आपकी वेबसाइट के उधर जाकर इसको भी पेस्ट कर सकते हो। और उसके लिए हमें इसकी सेटिंग्स में जाना होगा, इंस्टॉलेशन, ये देखें आपने डायरेक्टरी में डाल दिया। उसके बाद आप जो है वो अपीयरेंस पे जाएं, विजिट्स में जाएं और ड्रैग ड्रॉप कर दें इसको, तो अपीयरेंस विजिट्स, मेरे पास यहाँ पर अरे फेसबुक पेज प्लगइन। अब आप इसको कहाँ रखना चाहते हैं, सोशल हेडर आइकन में रखना चाहते हैं, कहीं और कैटेगरी में रखना चाहते हैं, आर्काइव में रखना चाहते हैं, फुटर में रखना चाहते हैं, जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ रख लें आप। तो मैं इसको फुटर में ले जाता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, फुटर में जैसे ही मैंने इसको रखा, ये मुझे कह रहा है फेसबुक पेज का नाम दे दें, मैंने यहाँ दे दिया ए क्यूब आई टी सॉल्यूशंस। उसके बाद ये मुझसे URL मांग रहा है, तो URL के अंदर जो है वो आप यहाँ पे अपने पेज का URL दे दो A3SOL। और उसके बाद ये कितनी इसकी विड्थ होगी, कितनी इसकी हाइट होगी, मैक्स मिनिमम आपके पास 70 दे रहा है, यहाँ पर आपको मिनिमम मैक्सिमम दोनों बता रहा है। हाइट, कवर फोटो, शो फ्रेंड फेसेस, ये सारी सेटिंग्स हैं जो कि आप इस प्लगइन में कर सकते हो। शो टाइमलाइन, शो इवेंट्स, शो मैसेजेस, आप जो भी दिखाना चाहते हैं वो आप दिखा दें, पूरी टाइमलाइन दिखाना चाहते हैं पूरी टाइमलाइन भी दिख जाएगी आपको पेज की, सही है, आप सेव कर लें इसको। नहीं भाई, सिर्फ पेज दिखाना है, आप पेज तो डायरेक्टली खोल सकते हो ना। यहाँ पे उसने यूजर आईडी फेसबुक का और पासवर्ड कब मांगा है मुझसे, सिर्फ URL मांगा है ना पेज का, तो सिर्फ पेज का URL पेज खुल के दिख जाएगा आपको, उसके करंट स्टैटिस्टिक्स दिख जाएंगे, ठीक है। जब ये हो चुका तो आप ये पेज का फुट, ये वेबसाइट के फुटर पे देखना चाहिए क्योंकि मैंने फुटर पे ऐड किया है। अच्छा कहाँ है, यहाँ तो नहीं आ रहा, ये आ गया, समझ में आ रही है बात। तो ये क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इंटरनेट से उठ के आता है, तो इट टेक्स ए लिटिल बिट ऑफ टाइम, और आपके सामने आपका पेज आ रहा है और उस पेज पे आप डायरेक्टली यहाँ पे लाइक पे क्लिक करेंगे तो आप लाइक पे चले जाएंगे, और बुक नाउ वगैरह पे जाएंगे तो फिर कोई और काम हो रहा होगा। क्लियर है ये बात?
तो गाइस इस वीडियो का मकसद ये था कि मैं आपको सिर्फ फैमिलियर करवा दूं प्लगइन्स क्या होते हैं, किस तरह से हम उनको लगाते हैं। बस तरीका सबका सिंपल है, आप उनको डाउनलोड करें और उसको उसके बाद उसकी सेटिंग्स को पूरा करें, उनके इंस्टॉलेशन के जो प्रोसीजर्स हैं उनको पूरा करें और उनको इस्तेमाल करें, ठीक है। इसी तरह से पेड प्लगइन्स भी होते हैं, फिर वो बिजनेस पर्पसेस के लिए यूटिलाइज हो रहे होते हैं। उनमें से एक प्लगइन जो है जो फ्री भी है और उसके अंदर कुछ चीज़ें पेड भी है, वो वू कॉमर्स है, WOO और कॉमर्स, वू कॉमर्स। अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो किसी क्लाइंट के लिए वर्डप्रेस के ऊपर, तो फिर आप जो है वो वू कॉमर्स ऐड करोगे, वू कॉमर्स का प्लगइन ऐड करोगे, और ये बहुत बड़ा प्लगइन है। कैसे पेमेंट होगी, कैश ऑन डिलीवरी होगी, क्रेडिट कार्ड वाली होगी, किस किस तरह से होगी, सारा कुछ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, हर चीज़ जो है ना वो उस प्लगइन के ऊपर कॉन्फ़िगर हो रही होती है, वू कॉमर्स, ठीक है। तो उसका भी तरीका यही है, आप डाउनलोड करें और उसके बाद उसको जो है वो वहाँ पर डायरेक्टरी में पेस्ट करें, वो यहाँ पर आ जाएगा आपके वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में, आप उसको एक्टिवेट करें और उसके बाद उसके जो फीचर्स हैं उनको यूटिलाइज़ करें। लेकिन उससे पहले आप अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट रेडी कर लें, ऐड टू कार्ट वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो आप उसमें रेडी कर लें। एक चीज़ जो वहाँ पर कॉन्टैक्ट अस के पेज में वो जो लाइंस जो है आ रही थी उसको भी हम पहले सेट कर लेते हैं, और वो प्लगइन्स, इंस्टॉल प्लगइन्स, कॉन्टैक्ट 7 की सेटिंग्स, ये जो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया था इसको हटा दें यहाँ से सही क्यों आ गया जी। ये ये ऑटो उठाएगा, वो लिंक से ऑटो उठा रहा है, ये हमें इसको मेंशन करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। उस वक्त हमारे पास ये आ नहीं रहा था बिकॉज़ वो पेज जो है वो उस पेज पे मैंने कस्टमाइजेशन की हुई थी जिस पेज के ऊपर, तो इस वजह से मैंने ये रख के देखा था, लेकिन वो वहाँ पर पेज का ही मसला था। हमने नया पेज बनाया जिसमें कुछ भी नहीं था, ब्लैंक था, उसमें डायरेक्टली वो चल गया था, हमें किसी भी चीज़ की इनमें से ज़रूरत नहीं पड़ी सर, इसमें और लेवल्स वगैरह हम लगा सकते हैं। जी हाँ, एडिट फॉर्म टेम्पलेट, ये देखें, फॉर डिटेल सी एडिटिंग फॉर्म टेम्पलेट, आप करंट फॉर्म को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, और इसको आप सेव कर दें। माय फॉर्म, ये देखें, आप थोड़ा साफ सुथरा काम हो रहा है और प्रॉपर हो रहा है, क्लियर है। जब आपकी वेबसाइट लाइव होगी और आपकी ईमेल्स करेक्ट होंगे तो इंशाल्लाह फिर ईमेल सेंड भी हो जाएगी। कोई सवाल किसी को, अगर कुछ ना समझ में आया तो पूछ लें। राइट, थैंक यू सो मच।